नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुकराम। उत्तर प्रदेश से एक वीडियो ऐसा सामने आया है, बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर कल रात से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाबा अपने भक्तों को जो प्रसाद खिला रहा है, खिचड़ी वाला प्रसाद, उसमें थूक मिलाकर, मुंह से लगाकर थूक मिलाकर अपने भक्तों को बांट रहा है। और ये काम वो काफ़ी समय से कर रहा है। सोचिए, कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, लाखों लोग मर चुके हैं, और पिछले साल आपने देखा होगा कि एक कम्युनिटी को किस तरह से परेशान किया गया था कोरोना के नाम पर। वो अगर खाली प्लेट, खाने से बची हुई प्लेट को अगर जीभ से चाट कर साफ कर रहे थे, जो उनके अकॉर्डिंग सुन्नत है एक, उसको भी कहा गया कि थूक लगाकर कोरोना फैला रहे हैं। एक पुरानी वीडियो उठाई कहीं से, और जिसमें एक शख्स थूक लगाकर फलों को गिन रहा था, उसकी आदत थी, जैसे नोट को लगाकर थी, उसे भी कहा गया कि कोरोना फैला रहा है, उसके भी तमाम उस पर कार्रवाई हुई और उसको भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि शादी में कुछ लड़के जो नान बना रहे थे, वो थूक या पानी लगाकर जिस तरह से भी यूज़ करते हैं, उनकी वीडियो भी वायरल की गई कि ये भी थूक लगाकर नान बना रहे हैं। अगर वो उर्दू वाले नाम वाले थे तो उनकी पहले पिटाई की गई और उसके बाद वीडियो वायरल की गई। लेकिन यहाँ इस बाबा की वीडियो वायरल आने के बाद गोदी मीडिया के मुँह पर ताला लगा हुआ है और भक्तों ने जो है अपनी कन्नी काट ली है इस मामले से। पूरा मामला बताऊंगा कहां कहां ये और वीडियो कहां से वायरल हुई, लेकिन उस पर जाने से पहले अपील है मेरी आपसे कि अगर अभी तक आपने हिंद वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। यहाँ पर राधा कुंड बड़ी फेमस जगह है। यहाँ पर एक बाबा का वीडियो इस वक्त पूरी तरह से सुर्खियों में, सोशल मीडिया पर खूब लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। तो बाबा यहाँ पर लोगों को खिचड़ी बांटने का काम करता है और उसे बांटने से पहले उसे मुंह पर लगाता है और जिसमें थूक मिलाया जाता है, ये अभी तक उस वीडियो में देखने को हमें मिल रहा है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। इस बाबा का नाम बाबा प्राण कृष्ण दास महाराज है, जो कि श्री धाम राधा कुंड में बेला वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और राधा कुंड के साथ साथ देश भर में उनके हजारों भक्त बताए जा रहे हैं। उनका ये कहना कि हजारों शिष्य हैं मेरे, उनके अनुसार, और उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी है, भीड़ काफ़ी लगी रहती है उनके इस आश्रम में। तो यहाँ पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ साफ आप लोगों को देख सकते हैं कि बाबा जो है अपने मुंह से लगाकर खिचड़ी का वाला प्रसाद अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को बांट रहा है। और ये परंपरा बहुत सालों से चल रही है, ऐसा उनका कहना है। तो किस तरह की भक्ति है? खैर, वो भक्ति पर मैं कभी सवाल उठाता नहीं, किसी की श्रद्धा पर मैं सवाल उठाता नहीं। तो लेकिन कोरोना का टाइम चल रहा है ना, जहाँ पर लोग छूने से भी मना कर रहे हैं एक दूसरों से, सोशल डिस्टेंस कहा गया है ना, लेकिन यहाँ पर मुंह से मुंह लगाकर, वो भी हज़ार लोगों में वितरण कोई चीज़ की जा रही है, तो अंदाज़ा लगा लीजिए अगर किसी को कुछ हो गया, और अगर हो भी गया हो तो इस बात की क्या पुष्टि है कि वहाँ से नहीं हुआ होगा? बहुत सारे सवाल हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा है। बाबा के भक्तों से जब बात की गई तो उन्होंने मीडिया से कहा कि बाबा कृष्णदास को वो ईश्वर के समान सम्मान देते हैं, ईश्वर के समान सम्मान देते हैं, भगवान की तरह उन्हें मानते हैं, और बाबा प्राण कृष्णदास उनके गुरु हैं, इनकी सेवा और सम्मान करना हमारा उद्देश्य है। वैसे भक्त चाहे किसी भी तरह के हों, कहीं के भी हों शिष्य, तो वो तो बाबा की कभी अपनी बुराई कर नहीं सकते, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आसाराम हो, चाहे ये वाले बाबा हों। तो कोई भक्त अपने गुरु की तो खासकर बुराई नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर वीडियो वायरल होने के बाद मेरा आपसे सवाल है, जो ऑडियंस है मेरा उससे सवाल है, सीधा सीधा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मामला जब एक समुदाय का था तो पूरा का पूरा मीडिया टूट पड़ा था। हज़ारों लोगों ने वीडियो बनाई, उसके बाद उन वीडियो के ज़रिए नफरत फैलाई गई और एक कम्युनिटी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। यहाँ तक कि सब्जी वाले, ठेले वाले, एक आम आदमी कहीं बाहर से काम से लौटा है तो उसे भी शक की नज़रों से ऐसे देखा गया कि पता नहीं वो कोरोना लेकर आया है कि अपने साथ में। और मीडिया का तो हाल पूछो ही मत, कोरोना बम, कोरोना जान, जमात का आघात, दुनिया भर के शब्दों से नवाजा गया। लेकिन मसला जब उस तरफ का आ जाता है तो उसके बाद फिर चुप्पी साध ली जाती है। आप लोग क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो खबर है उसे दिखाना ज़रूरी था। तेज़ी के साथ ये सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चा का विषय बनाया है वीडियो। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा और उस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।